वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 2017 एमपी सेट के क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए, जो एमपी सेट लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार के क्वेश्चन 2017 एमपी सेट में पूछे गए थे पार्ट ए में। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। तो जो ये एक मैग्नीट्यूड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स, उसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑल ऑफ द अबव या ऑल आर करेक्ट। इसका जो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, इसके सारे ऑप्शन हम देख लेंगे। ये जो ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द एटम, और जो इसका अगला बी ऑप्शन है वह है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, एंड अगला जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इसका आंसर जो है ऑल आर द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू फ्रेंड्स, द मैकेनिजम्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू नोब्स हाइपोथेसिस। तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए नोब्स हाइपोथेसिस क्या कहती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, कहती है कि जो बोथ द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट बीटा कार्बन एंड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेटेड इनटू टू कार्बन यूनिट्स एज एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन यूरिया साइकिल एबनॉर्मलिटी द टर्म हाइपर अमोनीमिया रेफर टू। हाइपर अमोनीमिया क्या रेफर करती है इन यूरिया साइकिल की एबनॉर्मलिटी के लिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, इलेवेटेड लेवल ऑफ अमोनियम आयन इन द ब्लड। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, एंजाइम सक्सनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इन दिए गए ऑप्शन में, तो इस किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वह किस प्रकार का एक एग्जाम्पल है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ये साइट्रिक एसिड साइकिल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, लीवर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स, सेकेंडरी सेल वॉल डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी सेल वॉल। तो फ्रेंड जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, काफ़ी लूज या लचीली होती है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल के कारण क्या होते हैं कि पौधे प्लांट्स जो होते हैं वो लचीले नहीं हो पाते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वह है सी। क्या आंसर में दिया है फ्रेंड्स कि सेकेंडरी सेल वॉल हैज कंपैरेटिवली हाई अमाउंट ऑफ लिग्निन एंड नो पेक्टिन। फ्रेंड्स तो क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल में जो पेक्टिन होगा क्या होगा फ्रेंड्स, वह अब्सेंट होगा, और जो लिग्निन की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, हाई अमाउंट में स्टोर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवन, कि द न्यूक्लियोसोम विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो जो न्यूक्लियोसोम का जो बेसिक यूनिट क्रोमैटिन है, इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, वह साइंटिस्ट थे कौन से, रॉजर कार्नबर्ग, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एट, इन बैक्टीरिया एज वेल एज इन यूकेरियोट्स स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर कॉज्ड बाय डॉट विच सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैव ए टेंडेंसी टू जंप अराउंड इन द जीनोम। तो जो किसके अंदर ऐसी, चाहे यूकेरियोट हो या प्रोकेरियोट, किनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, आंसर डी, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स। क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन, द लाइकोपेरान इज इंड्यूस थाउजेंड फोल्ड बाई। तो जो 1000 जो लाइकोपेरान है वो किसके ऊपर, जो उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको कौन प्रेरित करता है या किसके द्वारा वह इंड्यूस की जाती है? तो वो है फ्रेंड्स, इसका आंसर है आंसर डी, लैक्टोज के द्वारा। लैक्टोज के कंडीशन में फ्रेंड्स अगर एलो लैक्टोज दिया है वह भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है ना। लैक्टोज का क्या है, कन्वर्जन फॉर्म है वो क्या है, एलो लैक्टोज। तो जो लैक्टोज में होता है बीटा 1,4 लीकेज होता है फ्रेंड्स, जो एलो लैक्टोज होता है यहाँ पास क्या होता है, बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लीकेज होती है फ्रेंड्स, तब क्या बना देता है,
एलो लैक्टोज, लेकिन लैकोपेरान को इंड्यूस करने के लिए लैक्टोज या एलो लैक्टोज का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रोटीन सिंथेसिस द अटैचमेंट्स ऑफ सेवरल राइबोसोम्स टू एमआरएनए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रोसेस में जो एमआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, वह बनाते हैं आंसर डी पॉलीसोम्स बनाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट एबंडेंट आरएनए इन ए टाइपिकल सेल, तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट आरएनए, सबसे ज़्यादा एक सेल में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है, इसका आंसर है डियर फ्रेंड्स आंसर डी आरआरएनए। तो जो आरआरएनए की जो परसेंटेज होती है इन सेल में वो होती है अप्रॉक्स 80% मान सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एवरेज में रहता है। और जो टीआरएनए फ्रेंड्स ये होता है 16%, और जो एमआरएनए होता है 2-4% अप्रॉक्स में रहता है फ्रेंड्स। तो ये सब तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, एमआरएनए। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा जिसका फंक्शनल रोल है वो किसका है फ्रेंड्स, एमआरएनए का। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है, द हार्मोन रिसेप्टर आर, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हार्मोन रिसेप्टर किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के फैक्टर हैं, इसका आंसर है बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो राइबोसोम्स किसके मिलकर बने होते हैं, आंसर सी आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैंगो एंथ्रोसिनोस डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई, तो किसके द्वारा नहीं होती है, तो जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है फ्रेंड्स उनके द्वारा होती है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का आंसर है वह है डी, इसका आंसर है कोलिटोट्राइकम फलेक्टम। अगला क्वेश्चन 15, इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज वेल नोन फॉर इट इज पार्टिसिपेशन इन द, तो जो आईजीई फैमिली होती है एंटीबॉडी की, वो सबसे ज़्यादा किसमें इन्वॉल्व होती है, कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, वह होती है फ्रेंड्स एलर्जिक रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, एक्सियल फिलामेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजोआंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो एक्सियल फिलामेंट स्पर्मेटोजोआन में क्या बनाता है, वह बनाता है डिजिटल सेंट्रियोल्स। अगला क्वेश्चन, द प्लान ऑफ सेकंड क्लीवेज डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू एनिमल वेजिटल एक्सिस इज ऑलवेज, इसका आंसर है ए वेंट्रिकल एंड एट राइट एंगल टू फर्स्ट क्लीवेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कहता है डियर फ्रेंड्स, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन सेल, मेटामॉर्फोसिस के लिए एम्फीबियंस के लिए क्या रिस्पॉन्स क्या जरूरी होता है, थायराइड हार्मोन। इसके अलावा फ्रेंड्स टू डिस्कस करना चाहेंगे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो किसके लिए, एम्फीबियन के लिए, लेकिन एक और प्रोटीन होती है जो इकाइडिसोन जो प्रोटीन होती है वह किसके लिए होती है, इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह क्वेश्चन इंसेक्ट वाला फ्रेंड्स किस में पूछा गया था, 2018 की लाइफ साइंस एमपीसीट में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम कॉन्सेप्ट इसी 2017 में भी क्या पूछा गया था, थायराइड हार्मोन से के मेटामॉर्फोसिस से किसमें शरीर पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो किसमें था, एम्फीबियन में था फ्रेंड्स। सेम कॉन्सेप्ट से ही एकदम क्वेश्चन पिक किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो जितने भी एग्जाम होते हैं एमपीसीट के अभी, तो 2017 में एमपीसीट हुआ है उसमें यही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा बस वर्ड की टर्मिनोलॉजी चेंज करके उसी कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे भी ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल सेल डिवीजन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज, तो जो इनिशियल सेल होता है डेवलपमेंट के लिए वह, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, एंटीक्लिनल, जो कैसी से होगी, एंटीक्लिनल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, सोलराइजेशन इज ए फेनोमेना ऑफ, सोलराइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, आंसर सी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकेंड बाई हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन 21 सबस्टेट लेवल फास्फोरिलेशन टेक प्लेस इन क्रेब्स साइकिल इन बिटवीन। तो जो सबस्टेट लेवल फास्फोरिलेशन है वह साइट्रिक एसिड साइकिल में किन प्रोसेस के बीच में होती है, तो वह जो प्रोसेस होती है सक्सेनिल को एंजाइम एंड सक्सेनिक एसिड के बीच की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन, या तो एटीपी का फॉर्मेशन या तो जीटीपी का फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को जो सबस्टेट लेवल फास्फोरिलेशन को जो जनरेट करवाता है, जिसकी जिसके कारण यह सबस्टेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, वह फ्रेंड्स होता है थियोकाइनेज, थियोकाइनेज एंजाइम रहता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 22 द स्प्रे ऑफ डॉट ऑन स्टेम एपिसेस फेवर द ड्वार्फ सूट डेवलपमेंट इन एप्पल एंड पियर टू गिव मोर ड्वार्फ सूट मोर फ्रूट्स देयर बाई मोर यील्ड। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर सी, अल्फा नेप्थोल एसिटिक एसिड, इसका आंसर सी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 द सबस्टेट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स। तो जो मेन उसका बेसिक है जिससे फिनोलिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है वह कौन है फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से, इसका जो आंसर है वह है फ्रेंड्स फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड जो एक खुद क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 24 अमोनिया पॉइजनिंग ऑकर इन टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट्स एट। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आंसर बी, हाई टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन 25 एग्रिनुलोसाइट्स आर, एग्रिनुलोसाइट्स कौन सी हैं दिए गए ऑप्शन में से, वह है फ्रेंड्स मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 26 विच वन आर एग्रिनुलोसाइट, इसमें से कौन से एग्रिनुलोसाइट सेल्स हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये ग्रेन्युलोसाइट और एग्रिनुलोसाइट सेल में क्या अंतर है फ्रेंड्स, जो जनरली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होता है उन्हें अगर माइक्रोस्कोप से देखने से, तो जो एग्रिनुलोसाइट्स फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, छोटे छोटे दानेदार होते हैं रिंकल्ड जैसे, जैसे कि ये क्या है छोटे छोटे से उभार पाए जाएंगे लाइक रिंकल जैसे, या फिर छोटे छोटे दाने उभार रहेंगे फ्रेंड्स वह क्या है ग्रेन्युलोसाइट्स है। लेकिन जो क्लीन है फ्रेंड्स क्लीन सेल है या तो इस प्रकार की डंबल सैप है किसी भी प्रकार की मगर रिंकल्ड सैप नहीं है ना ही दानेदार है वह क्या है ग्रेन्युलोसाइट है, लेकिन जिनमें छोटे छोटे उभार हैं वह क्या है ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27 इन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स इफ बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसमें क्या है दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, फिर क्या बोल रहा है इन द बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, लेकिन इनकी क्या है एंटीबॉडी नो, लेकिन इनकी एंटीबॉडी क्या है वह नहीं है। तो जब इनकी एंटीबॉडी नहीं है तो वह क्या कर लाएगा, तो ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल, तो जो जब उनकी एंटीबॉडी है ही नहीं, ए बी प्रकार के डियर फ्रेंड्स एंटीजन हैं, उनकी एंटीबॉडी खुद के सेल में नहीं है खुद के ब्लड में नहीं है, तो कौन से ब्लड ग्रुप होगा उसका, वो तो ए बी ही होगा फ्रेंड्स, ए बी ही होगा। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कार्य करती है, तो जो ए बी एंटीजन है ए बी एंटीजन का एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है वह है कौन सा, सी, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा फ्रेंड्स तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें मैं एक इसका सोल्यूशन वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार का ब्लड ग्रुप कब होता है, क्या इसका जीनोटाइप है, कब इस किस प्रकार के एंटीजन पाए जाने की प्रायोरिटी में किस प्रकार की एंटीबॉडी होगी, इसमें भी फ्रेंड्स मैं एक जल्दी से वीडियो लाऊंगा, तो आप बहुत सारे जल्दी से कमेंट करिए, अगर डाउट्स है तो जल्दी से मैं इसमें वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 28 द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज। तो जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है डियर फ्रेंड्स वह है आंसर ए, नेफ्रॉन होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 29 इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपेगेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस रैपिडली डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल इनटू द
टिश्यूज फ्लूइड्स। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है पोटेशियम आयन, आंसर डी। अगला क्वेश्चन, द मेंडेलियन करेक्टर्स फॉर स्टेम लेंथ इज फाउंड टू बी कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, सेम कॉन्सेप्ट और सेम ऑप्शन के साथ 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट और सेम ऑप्शन के साथ, बस थोड़ा सा क्या चेंजेस कर दिया है कि इसमें पूछा गया है कि जो स्टेम की लेंथ के लिए ऐसे कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वह है फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह है ए, 3-beta hydroxylase। लेकिन जो 2018 में है वह यह पूछा गया था डियर फ्रेंड्स कि जो पी है, जो मटर है उसके रिंकल्ड सेफ्ट के लिए, जो पी है पी के इस प्रकार के रिंकल्ड सेफ्ट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका आंसर कौन था फ्रेंड्स, आंसर बी, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। सेम कॉन्सेप्ट और बिल्कुल उसी से और सेम ऑप्शन है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं सिर्फ क्या करके उनके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर आपने अभी 2018 के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है एमपी सेट के, तो आप इस नेट स्टडी की यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, एमपी सेट के क्वेश्चन पेपर सभी उसमें क्या है अपलोड है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने नीडी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि जितनी भी एमपी सेट से जुड़ी जानकारी है फ्रेंड्स वो उनको सभी मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 31 कहता है, F2 मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो ऑफ 9:7 इज ऑब्टेंड इन। तो जो 9:7 किस में प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो ये जो प्राप्त होता है ये इसका आंसर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन में। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो होता है डियर फ्रेंड्स वह होता है 9:7, और जो अगला और इसी में जो ऑप्शन है इनके ऑप्शन का भी रेशियो यहाँ पर लिख दिया गया है फ्रेंड्स, कि जो सप्लीमेंट्री जीन होती है उसका भी रेशियो क्या है, 3:9, 9:3 and 4 है, और अगला जो एपिस्टेसिस रेसेसिव का जो रेशियो होता है वह भी सेम होता है डियर फ्रेंड्स, 9:3 and 4 होता है। और जो डुप्लीकेट जीन होती है, डुप्लीकेट जीन का जो रेशियो है वह क्या है फ्रेंड्स, 15:1 है। यही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किस में पूछा गया है, 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये वाला वी ऑप्शन वाला, कि सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो पूछा गया है उसमें फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल ऑप्शन से ही क्वेश्चन पिक किए गए हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट और रिपीटेड क्वेश्चन ही बनाते हैं फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, सेल्फ स्टेरिलिटी इन प्लांट इज डिटरमाइंड बाई। तो जो प्लांट की सेल्फ स्टेरिलिटी है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड की जाती है फ्रेंड्स, उस इसका आंसर है मल्टीपल एलील, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 33, इफ द लीव ऑफ द मेल प्लांट्स इज ग्रीन एंड द लीव ऑफ द फीमेल प्लांट इज वेरिगेटेड, व्हाट विल बी द फेनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। तो इसका जो आंसर है वह है वी, वेरिगेटेड, वेरिगेटेड। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली गिवन बाई। तो जो टेक्सोनॉमी का जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, किसने दिया था, माइकल एडेंसन ने दिया था। और जो टेक्सोनॉमी के फ्रेंड्स फादर हैं, जो टेक्सोनॉमी के क्या हैं फादर हैं, वह कौन है, कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन 35, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई। तो जो येलो फीवर होती है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, फैलाई जाती है, इसका आंसर है डियर फ्रेंड्स, आंसर ए, एडीज के द्वारा फैलाई जाती है। अगला क्वेश्चन 36, साइंटिफिक नेम ऑफ डायमंड ब्लैक मॉथ इज। तो जो इसका डायमंड ब्लैक मॉथ का जो साइंटिफिक नेम है वह है प्लूटेला जाइगोस्टिला, एंड ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 37, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्रपोज्ड बाई एंगलर एंड पेरेंटल इज। इसका आंसर है क्या, उन्होंने प्रपोज किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। अगला क्वेश्चन
Phytosociologically approach to the study of plant communities was applied for the first time in India. तो जो सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था इंडिया में, इसको सजेस्ट किया था मिश्रा आर, यानी रामदेव मिश्रा जी ने. लेकिन इसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हम्बोल्ट साइंटिस्ट थे. पूरे भारत में, सॉरी पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने किया था. अगला क्वेश्चन, जो फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहे जाते हैं तो वो यही कहे जाते हैं, हम्बोल्ट. अगला क्वेश्चन, द स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट, लो रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एबिलिटी आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ. तो ये किस प्रकार के स्पीसीज में ऐसी होती है फ्रेंड्स कि क्या हो, स्लो ग्रोथ रेट हो, लो रिप्रोडक्शन रेट हो. तो किसका आंसर है, आंसर बी के सेलेक्टेड स्पीसीज में इस प्रकार के आपको देखने को मिल सकता है. अगला क्वेश्चन 14, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यूज इन एक्सेस ऑफ द रिस्पायरेटरी यूटिलाइजेशन इज नोन एज. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अगला क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस वैल्यू फॉर ईच स्पीसीज इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज ऑफ वेजिटेशन डज नॉट इंक्लूड. तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, नीस है. नीस कॉन्सेप्ट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टेट के सेट एग्जाम्स होते हैं उन सभी में नीच कॉन्सेप्ट से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स. तो नीच कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर क्लियर कर लें कि नीच क्या होता है. नीच जो होता है फ्रेंड्स, नीच और उसका जो नीच होता है और उसका हैबिटाट होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है फ्रेंड्स कि कौन नीच है कौन उसका हैबिटाट है. थोड़ा सा फ्रेंड्स समझ लीजिएगा यहाँ पास कि जो किसी का होम है वह क्या है, उसका हैबिटाट है. लेकिन एक पर्टिकुलर समय के लिए जितना वह फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वह क्या कहलाता है, उसका निस कहलाता है. और जो जैसे किसी इंसान का एक घर क्या है, वो उसका हैबिटाट है. लेकिन एक समय के लिए वह तो वो किचन में है या तो कहीं बेडरूम में है या फिर कहीं भी है. तो वो जिस समय जिस स्थान का स्पेस को, मतलब जिस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करता है वही क्या कहलाता है, उसका निस कहलाता है डियर फ्रेंड्स. अगला क्वेश्चन 42, एंथ्रोपोड्स हैविंग टू प्रिमोलर्स इन ईच जा आर कॉल्ड मंकी. इसका आंसर है ओल्ड वर्ल्ड मंकी. अगला क्वेश्चन, आईसीसी क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेज उसमें कि फ्रेंड्स जो एक ऐसा कौन सा स्पीसीज है, कौन सा एंथ्रोपोड्स है जो अपनी टेल को पांचवा पैर समझ के मूव करता है. उसका आंसर था फ्रेंड्स, सेम कॉन्सेप्ट से पूछा गया था, न्यू वर्ल्ड मंकी. अगला क्वेश्चन 43, अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी इन होमो इरेक्टस इन क्यूबिक सेंटीमीटर इज. तो इसका आंसर हो, जो क्रेनियल कैविटी होती है क्यूबिक में, इसका आंसर था फ्रेंड्स 755 टू 1225 सेंटीमीटर. अगला क्वेश्चन 42, द फर्स्ट पर्सन हु सिंथेसाइज्ड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन वाज. तो सबसे पहले कौन थे, ये स्टेनले मिलर. आंसर बी फ्रेंड्स. अगला क्वेश्चन 45, सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स बिकॉज. तो कौन से हैं फ्रेंड्स, कौन यूज किए जाते हैं, ओनली दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जिनमें यह कैपेसिटी होती है किसको, नाइट्रोजन को फिक्स करने की, उन्हीं को उपयोग किया जाता है. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई एस्परजिलस टेरस. तो एस्परजिलस टेरियस के द्वारा क्या क्या प्रोड्यूस होता है, इसका आंसर है सी, स्टैटिन. अगला क्वेश्चन 47, डॉट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर ईदर कल्टिवेटेड और कलेक्टेड बाई ह्यूमंस फॉर फीड और अदर एग्रीकल्चरल यूजेज एट वन टाइम और अदर. तो इसका जो आंसर है वह है फ्रेंड्स क्या, 7000.
अगला क्वेश्चन 48, इन द एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्लोरेसेंट ऑलवेज द सेम एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसका आंसर है फ्रेंड्स नो। अगला क्वेश्चन 49, काई स्क्वायर टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और गुडनेस ऑफ फिट, दिस वाज गिवन बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिशियन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका आंसर था फ्रेंड जो काई स्क्वायर टेस्ट को सबसे पहले किसने दिया था, उस कौन थे, कार्ल येर्सन। अगला क्वेश्चन 50, द सेडिमेंटेशन कोफिशियंट इज द रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग द सेंट्रीफ्यूगल एक्सिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इसका जो आंसर फ्रेंड्स वह है बी, मॉलिक्यूलर वेट एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने नीडी फ्रेंड के साथ शेयर कर लें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स MPSET के न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स, जो भी नए अपडेट्स आते हैं MPSET के लिए फ्रेंड्स, तो मैं तुरंत आप लोगों की वह इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।